के बाद अब बरगी में भी महुआ का चमत्कार। अंधविश्वास का है यह चमत्कार? ग्रामीणों ने माना इस पेड़ को ईश्वरी वरदान। आस्था के आगे नतमस्तक हुआ प्रशासन। होशंगाबाद पिपरिया के बाद अब बरगी के ग्राम लोड़ी पिपरिया में भी पिछले कुछ दिनों से क्षेत्रवासियों को यहां स्थित महुआ के पेड़ में चमत्कार देखने को मिल रहा है। अब इसे अंधविश्वास का है यह चमत्कार या समझ से परे है? ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि महुआ के पेड़ को स्पर्श करने पर बीमारियां खत्म हो जाती है। हाँ, कहाँ से आए हो? हम यहीं से आए, खमरिया। क्या हो रहा था? हमारे क्या है, ये विकलांग थे, हम चल नहीं सकते, लकड़ी से चलती रहे। अब लकड़ी मतलब छोड़ दिए, जब से कल से आए हैं भगवान के चरणों में डले हैं, विश्वास भरोसा उन्हीं को दे दिए कि जो है तो आप हो, नहीं है तो आप, तो इसलिए हमारा आराम लग गया। धीरे धीरे यह खबर क्षेत्र में आग की तरफ फैलते जा रही है, जिसके कारण यहाँ हजारों की संख्या में ग्रामीण प्रतिदिन पहुँच रहे हैं। एक और यहाँ भी समझा जा रहा है कि आज के आधुनिक युग में मध्य प्रदेश पर अंधविश्वास किस तरह हावी है। दृष्टिजनों एवं भाइयों बहनों, ये तो चमत्कार परमात्मा की है। हम लोगों को खुद इस जगह के बारे में ना तो यहाँ कोई सिद्ध या कोई भोलेनाथ का कृपा, वो तो धीरे धीरे बाहर से लोग यहाँ आने जाने लगे और धीरे धीरे गांव को सुचारू रूप से इसकी जानकारी हुई। फिर हम लोगों ने आस्था लगाई, धीरे धीरे यहाँ का जो भी कमियाँ हैं उनको हम पूरी करने जा रहे हैं। क्या हो गया था? हाँ, मेरे पैरों में दर्द थी, एक पैर में। हाँ। तो मैं चल नहीं सकता था। अच्छा। जब यहाँ आया हाँ। तो मैंने परिक्रमा किया हाँ। भेंट किया हाँ। दो बार मैंने भेंट किया, मेरी पैर सही है। क्या नाम दादा आपका? सौटन सिंह। कहाँ से? लोड़ी। क्या है, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत तिनसा, ग्राम पंचायत तिनसा में लोड़ी ग्राम के नजदीक एक डेढ़ किलोमीटर दूर एक अचानक भगवान शंकर की कृपा, वही महुआ के वृक्ष में अचानक एक ऐसा प्रकाश हुआ कि जो लोग जाए उस महुए पे भेंट करें या परिक्रमा करें, उनकी आस्था पूर्ण होती है। ऐसा निरंतर चलते हुए आज पहले होशंगाबाद पिपरिया और अब लोड़ी पिपरिया इस बात के प्रमाण है। चमत्कार वाली बात यह है कि लोगों में आस्था और विश्वास इतना ज्यादा है कि पेड़ से लिपटने के बाद उनके हाथ पैर के पुराने दर्द खत्म हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन चुप्पी साधे खामोश बैठा हुआ है, जबकि हाल ही में होशंगाबाद में प्रशासन को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। पेड़ के पास भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहे। सिटी एन भारत से शुभम अवैध की रिपोर्ट, बरगी।